पवित्री जी, एक बात बताइए कि अगर 2019 के इलेक्शन नजदीक हैं तो आगे की रणनीति क्या रहेगी आपकी? कोई अपनी पार्टी बनाएंगे या किसी पार्टी के साथ साथ गठबंधन करेंगे? देखिए, मैं समाज सेविका हूँ और समाज की सुरक्षा अधिकार सम्मान अधिकार के लिए मैं अपना घर परिवार को त्याग कर चुकी हूँ। मैं 17 साल हो गया मैं अपने घर नहीं गई हूँ। जब तक मैं जिंदा रहूँगी तब तक मैं अपने घर वापस कभी नहीं जाऊँगी। मेरे पास तो उतना भी पैसा नहीं होगा कि मेरे मरने के बाद उस पैसे से कफन खरीदा जाए। मेरे पास उतनी भी ज़मीन नहीं होगी कि उस कफन से मुझे उस ज़मीन पर दफन कर दिया जाए। हमारे पास कुछ भी नहीं रहेगा। मैं पूरा जीवन मैं बहुजन समाज के लोगों को जगाने के लिए निकली हूँ। इसलिए भारत के संविधान आरक्षण को लागू कराना ये हमारा लक्ष्य होगा। हमने भारत का संविधान आरक्षण को अगर पूरी तरीके से लागू करवाने के लिए हम अपने बहुजन समाज के लोगों को तैयार कर दी। और जिस दिन इस देश के भारत के सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा में प्रधानमंत्री के पद पर जिस दिन देश का बहुजन समाज के लोग उस कुर्सी पर बैठेंगे उसी दिन भारत का संविधान हमारा पूरी तरीके से लागू हो जाएगा। और जिस दिन भारत का संविधान लागू हो जाएगा उस दिन भारत के भारत में रहने वाले 85% बहुजन समाज के लोगों को बराबरी में आने से कोई रोक नहीं सकता। इसके लिए मुझे जो भी कुछ करना पड़ेगा हम उसके लिए तैयार हैं। हमारा लक्ष्य भारत के संविधान आरक्षण को लागू कराना और भारत को बुद्ध में भारत बनाकर भारत को मानवता का संदेश देने का काम, ये मैंने अपनी बीड़ा उठाई है। अपने महापुरुषों के बताए हुए रास्ते पर मैं चल रही हूँ। उन्होंने जो रास्ता बनाया था उसी रास्ते पर चलकर मैं बहुजन समाज के लोगों को जगाने का काम कर रही हूँ।